बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेसिक केमिस्ट्री में आज की टॉपिक है एटम। व्हाट इज़ एन एटम? आइए सबसे पहले हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं एटम को क्या कहा जाता था और एटम का कॉन्सेप्ट क्या था। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम ग्रीक पीरियड को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली द वर्ड एटम इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एटमोस, मीन्स इनडिविजिबल और नॉन डिविजिबल और अनकटेबल, मीन्स नॉट एबल टू कट। एटमोस मीन्स ना तकसीम होने वाला या ज़्यादा हिस्सों में ना कटने वाला। द वर्ड एटमोस मीन्स इनडिविजिबल। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय एंशंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस इन अबाउट 460 टू 370 BC। दौरे कदीम में ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस ने 460 से 370 BC यानी कबले मसीह में एटमोस का कॉन्सेप्ट दिया। इसके ख्याल के मुताबिक आप एक मीटर का छोटा सा पीस लें और उसको काटते रहें, काटते ही रहें, और आखिर ऐसी पॉइंट आएगी जहां पे आप ज़्यादा इसको हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकेंगे यानी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। वो एटमोस है, मींस एटम है। अब ये डिस्कस करते हैं मुस्लिम पीरियड में एटम का कॉन्सेप्ट क्या था। The smallest parts were known in the Arabic as dhara or johar, the parts which are not divisible. अरबी में छोटे से पार्टिकल्स को दरा या जोहर कहा जाता था, यानी तकसीम ना होने वाले हिस्से। दीज एटम्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मैटर। व्हेन एटम्स कम्बाइन इन फिक्स केमिकल रेशो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज बाय डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट लाइक जाबिर बिन हैयान। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अलकेमी एंड using this concept he prepared many chemicals such as nitric acid, hydrochloric acid and white lead. Now discuss the concept of atom in modern period. दौरे जदीद में मुख्तलिफ साइंटिस्ट की तरफ से एटॉमिक मॉडल पेश किए गए। आइए सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वॉज गिवन बाय जॉन डॉल्टन, इंग्लिश साइंटिस्ट। जॉन डॉल्टन ने 1807 में एटॉमिक मॉडल दिया और उसमें एटॉमिक मॉडल में डेमोक्रेटस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। सेकंड एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय जेजे थॉमसन। जेजे थॉमसन वाज अ फिजिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रेज ट्यूब। 1897 में जेजे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, दिस मॉडल इज़ नोन एज पल्म पुडिंग मॉडल। इस मॉडल को पाल्म पुडिंग मॉडल कहा जाता है। थर्ड एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911। दिस एटॉमिक मॉडल वाज गिवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज लाइक अ मिनी सोलर सिस्टम एंड स्टेटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वाइड ऑर्बिट। दिस मॉडल इज नोन एज प्लेनरी मॉडल। And fourth atomic model was given by Niels Bohr in 1913. Niels Bohr, after the Rutherford atomic model drawbacks, Niels Bohr ने 1913 में Rutherford के model की खामियों को दूर करते हुए model पेश किया। इस model के मुताबिक electrons revolve around the nucleus in orbit have a set of size and energy. Niels Bohr ने quantum theory का concept use किया। Fifth atomic model was given by Erwin Schrödinger in 1920s. इसने Heisenberg uncertainty principle का concept use किया अपने model में। According to his model, an electron does not travel in exact orbit or shell. किसी भी जगह electron को हम predict कर सकते हैं around the nucleus. इन फाइव एटॉमिक मॉडल के बाद हम एटम को इस तरह से कह सकते हैं, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एन एटम कंसिस्ट ऑफ Smaller subatomic particles. These subatomic particles are called fundamental particles. These are electron, proton, and neutrons. The nucleus is the center of an atom containing proton and neutrons, except protium containing only one proton. Electrons are revolving around the nucleus in shells or orbits. An orbit consists of orbitals. This is an atom. And these are the electrons revolving around the nucleus and central part is the nucleus. Nowadays, atom is defined as the smallest particle of an element or matter which take part in chemical reaction is known as atom. Another definition of atom is the smallest particle of an element
विच मे आर मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैस के एलिमेंट्स जो एटम्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, वाइल अदर जो होते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह वगैरह ये आज़ाद नहीं रह सकते। अब एटम की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एटम किस चीज़ से बना होता है। सपोज दिस इज़ अ मैटर एंड दिस मैटर इज़ कम्पोज ऑफ मोलिक्यूल एंड दिस मोलिक्यूल इज़ कम्पोज ऑफ एटम्स। दिस एटम इज़ कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ डिस्कस द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। इट्स साइज इज अबाउट 10^-16 cm सेंटीमीटर। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये एटम के न्यूक्लियस में होता है। इट इज़ अबाउट 1836 टाइम ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 कॉर्क्स, 2 अप एंड 1 डाउन। थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम इज न्यूट्रॉन। इट हैज़ नो चार्ज। इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 कॉर्क्स, 1 अप एंड 2 डाउन एंड मेनी अदर पार्टिकल्स। दीज आर कॉल्ड ग्लुओन्स। दीज इंटरमीडिएट पार्टिकल कैरी इंटरेक्शन बिटवीन क्वार्क्स। नाउ डिस्कस द व्हाट इज क्वार्क। क्वार्क इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। व्हेन क्वार्क्स कंबाइन दे फॉर्म कंपोजिट पार्टिकल्स कॉल्ड हैड्रॉन्स। क्वार्क्स जब कंबाइन होते हैं तो हैड्रॉन्स बनते हैं और इनमें से जो स्टेबल होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। एंड क्वार्क्स कंटेन स्ट्रिंग्स। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर है और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं एक एटम है और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन क्वार्क से बने होते हैं और क्वार्क्स के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है। तो इस तरह से हमने सीखा कि एटम जो है वो मैटर का छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बहुत सारे कई पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एक एटम बना होता है और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स।